आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत महासमुंद में आज उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य के तहत बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया। इसके तहत विद्युत विभाग ने प्रोजेक्टर और नाटक के माध्यम से बिजली के महत्व के साथ केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की लोगों को जानकारी दी। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछले 75 सालों में जो बिजली के क्षेत्र में प्रगति की गई है उसे लोगों को बताना और उनकी समस्याओं का निराकरण करना ही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। सरकार, केंद्र सरकार और जो भी बिजली विभाग की अन्य योजना है, खासतौर पर राज्य शासन की भी विशेष योजना है, किसानों के लिए चलती है बिजली हाफ जैसी योजना हो या सोलर पावर का योजना हो, और केंद्र सरकार की भी अन्य योजना, इसके अंतर्गत सभी का बताया गया था तथा लोगों को जागरूक भी किया था कि बिजली का अपव्यय थोड़ा कम किया जाए तथा खासतौर पर जो भी बिजली के लिए कार्य करते हैं या लगाते हैं उसमें अच्छे क्वालिटी के सामान ही यूज करें और बिजली के इस्तेमाल के समय जो भी सुध को सेफ रखा है। अधीक्षण यंत्री पीएल सिदार ने बताया कि सौभाग्य योजना के तहत 6,285 घरों में विद्युत कनेक्शन दिया गया। 70 साल पूरे होने पर हमारे विभाग ने देश के लिए प्रदेश के लिए ऊर्जा के क्षेत्र में कौन कौन सा काम किए हैं और 75 साल के पहले हम कौन सी स्थिति में थे और आज हम किस स्थिति में पहुंचे हैं, इस सब के लोगों को जानकारी देना है। और बिजली एक बहुमूल्य है हम सबके लिए, आज विकास के हर चीज में बिजली की महत्ता है, इसलिए बिजली की उपयोगिता को भी समझाना है और इसकी महत्व को भी समझाना है। वहीं उपभोक्ताओं ने भी बताया कि वर्तमान में सभी को विद्युत कनेक्शन मिला है और इससे 24 घंटे अब बिजली रहती है। गौरतलब है कि महासमुंद जिले में 100% घरों में बिजली कनेक्शन है। जैसे कि सौभाग्य योजना के तहत बहुत सारे कनेक्शन लगे हैं गांव में, हर एक गांव में लगे हैं, लगभग 400-500 कनेक्शन लगे हैं हमारे गाँव में, जो बिजली बोर्ड के तहत आते हैं 46 गाँव उसके तहत ना 500-600 कनेक्शन सौभाग्य योजना के तहत लगे हैं और जो बिजली बिल है ना वो हाफ आ रहे हैं। इस दौरान लोगों को बिजली बिल हाफ योजना, कृषि पंपों को निशुल्क विद्युत प्रदाय, कृषि पंपों का ऊर्जीकरण, बीपीएल उपभोक्ताओं को निशुल्क विद्युत प्रदाय, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य योजना जैसी योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई।